बहेड़ी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार की नीतियों पर साधा निशाना। जी हां, बरेली के बहेड़ी में बुधवार को पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की गंभीर समस्याओं को उठाते हुए कहा कि किसानों को उनका हक नहीं मिल पाने पर कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। राकेश टिकैत ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के हित में कुछ नहीं कर पा रही है। साथ ही उन्होंने किसानों के बकाया गन्ना भुगतान पर भी चिंता जताई। इस दौरान टिकैत ने बिजली के बढ़ते दामों को लेकर भी मुद्दा उठाया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने देश का विकास नहीं किया बल्कि देश को बर्बाद किया है। राकेश टिकैत ने कृषि सुधार कानून को लेकर कहा कि भाजपा सरकार अपनी हट धर्मता पर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। इस दौरान राकेश टिकैत ने सभी किसानों से आने वाली 22 तारीख को संसद घेरने की भी बात कही। इस दौरान भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए बहेड़ी से अजीम इदरीसी की रिपोर्ट। सर, बहेड़ी आए हैं, इस दौरे की खास क्या वजह है और किसान आंदोलन की भी क्या स्थिति है, थोड़ा विस्तार से? अब तो पूरे देश में हम जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे सरकारों की क्या क्या नीति रही है। और खास करके अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जहां पे आए, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, गन्ने का बड़ा बकाया यहाँ पे है पूरे प्रदेश में, और पूरे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है, खाली उत्तर प्रदेश का 10,000 करोड़ रुपए के लगभग है। बिजली के रेट यहाँ पे पूरे देश भर में सबसे महंगे हैं, वो एक वजह है। यहाँ पे खरीद नहीं होती, MSP पे खरीद नहीं यहाँ पे हो रही, वो एक बड़ा इशू है। ये सारे के सारे इशू यहाँ पे रहेंगे। आलू के किसान पूरा बर्बाद होगा, जो पूरा ये बुलंदशहर और अलीगढ़ वाली पूरी बेल्ट है, सबसे ज्यादा लोग आलू का किसान आत्महत्या कर रहा, तो ये सारे इशू रहेंगे। इस इशू के लिए यहाँ पे और पूरे देश भर में हमको जाना पड़ रहा है। सर, इस सरकार ने जुमले ही जुमले किए हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तो आम जनता को सबको पता है कि जो कह रही है वो करना ही नहीं। जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, वो लागू नहीं करी। तो उससे जिस तरह से यहाँ पे MSP की बात चल रही, 3 कानून की बात चल रही, वो सरकार नहीं कर पा रही। 15 लाख रुपए की भी बात करी थी, जो नौजवान पूरा एक तरफा सरकारों के साथ में गया, तो उसकी भी बात उन्होंने करी, वहाँ पे है कुछ नहीं। क्योंकि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती, क्योंकि सरकार तो पार्टी की बनती है तो बात करती है, एक दिन में नहीं 2 दिन में करती है। 8 महीने से लोकतांत्रिक देश में किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे और आप उनसे बातचीत नहीं करोगे, ये तो नहीं होगा। सर, जब बात करने का नंबर आता है तो घुमा फेर के ये लोग वैसे ही जैसे कि पहली बात है, वो फिर वही ले जाते हैं, ये घुमा फेर के। सर, हाँ, ले जान तो किसान ही क्या, कोई इनसे घुमा बिना सिद्धि बात कर रहा, किसान भी घुमा फिरा की बात करे। आंदोलन की कोई समय सीमा तय की गई है? कोई समय सीमा नहीं है। 5 सितंबर की हमारी मीटिंग है मुजफ्फरनगर में, करेंगे उसको, एक बड़ी पंचायत करेंगे और आगे का पूर्ण रूप से निर्णय हम उस पंचायत में, वह संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन जगह से वहाँ पर लोग आएंगे, अपनी सलाह मशवरा करेंगे। सरकार के पास में भी अभी करीब 40-50 दिन का टाइम है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें किस पार्टी को सपोर्ट करेगी ना? हम सपोर्ट किसी को नहीं करें भाई, हमारे भरोसा कोई रही हो ना, अपना हाथ पा अपने आप मारो। संसद घेरने का कुछ है? हाँ, घेरने का है 22 तारीख को। 22 तारीख को 200 लोग हमारे हर रोज जा करेंगे, बस से जाएंगे, DTC बस, हमने कहा कि DTC बस दो, टिकट लेंगे, संसद भवन के बाहर जाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, वहां से वापसी आ जाएंगे, अगले दिन फिर जाएंगे। 8 महीने किसान आंदोलन को हो रहे हैं, 8 महीने किसान आंदोलन को हो रहे हैं, आपकी तरफ से खास तौर से वैसे किसी पार्टी के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मानते हैं जो कंडीशन है उसका फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे? और भाई तो दूसरे वाले भाई, हमने तो कह रहे अपना लोगो भाई, विपक्ष वाले का क्या काम है, वे सड़क पे भी लड़ाई लड़ो और अपने वहां पे भी लड़ाई लड़ो, अपना काम करो, हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमें क्या पता कौन कहां देगा।
हम तो उनके कार्यकाल बतावे कि किसने क्या क्या करा। यहाँ के एक स्थानीय नेता ने कहा कि वहाँ गाजीपुर में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं शराब। अच्छा, तो भाई वो क्या कहना है, पिकनिक तो पहाड़ पर मनाने जाते हैं, गाजीपुर को तो गर्मी है। पिकनिक तो नहीं, वहाँ तो जो इनके कई कई मंजिल की कोठी बनी हुई थी, जो अपने खेत में रहते थे वे किसान बांस के मकान में रहते हैं गर्मी में, तो गर्मी में पिकनिक तो नहीं हो सकता। आगे आगे क्या ये लड़ाई और तेज होगी आपके आने से, मदद मिलेगी इस क्षेत्र का किसान वहाँ ज्यादा शामिल होगा, क्षेत्र का किसान जुड़ेगा इस क्षेत्र किसान, यहाँ का तो जुड़ रहा है किसान, ट्रैक्टर से जाता है, बड़े मोर्चे तोड़ता है, ट्रैक्टर पे बम्पर चाहिए बड़े, आप ट्रैक्टर पे बम्पर, बड़ा ट्रैक्टर, आगे बम्पर मजबूत चाहिए उस पे। सर जब किसान की बात आ रही है, लोग मौन क्यों हो जाते हैं, सरकार मौन क्यों हो जाती है जब किसान की बात आती है? नहीं, लूट अगर चोर को ये कह दे भाई तेरे चोरी करी माल दे दे तो चुप रहेगा, माल ना देना पड़ेगा, ये सरकार बड़े उद्योगपति चला रही सरकार के, तो उनको नुकसान होता है। आज 800 रुपए में धान की खरीद करते हैं, 1200 रुपए में गेहूँ करते हैं, अगर सरकार बात मान लेगी तो 2000 रुपए में खरीद होगी, तो 800 रुपए जो पर क्विंटल जा रहा है वो सरकार और उन्हीं को भी जा रहा है, इनके जो चेहते हैं उनको जा रहा है। अपने इस दौरे के बीच इस क्षेत्र के किसान को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है कि भाई आंदोलन होगा देश में, आजादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसके लिए तैयार रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार रहे, अपनी जमीन बचानी है तो तैयार रहे, संघर्ष होगा। सबका साथ सबका विकास का वादा किया था इस गवर्नमेंट ने, कितना विकास हो पाया आपकी नजर? कुछ नहीं हो आ रहा है, आप तो देश तो गरीब हो गया, कुछ जीएसटी में चले गए, कुछ नोटबंदी में चले गए, अब जमीन पे किसान की नजर है, अनाज कोठियों में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी, देश की जनता को जागना होगा और आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। महिला सशक्तिकरण की बात करती है भाजपा, और अभी चुनाव में देखा गया कि कई बार महिलाओं के साथ काफी अभद्रता हुई, इसके बारे में क्या कहना? यही ज्यादा बात कर रहे थे महिलाओं के, यहाँ पर सुरक्षित है, और इन्हीं के खुद नेता पुलिस की मौजूदगी में महिलाएं पर्चा ना अंदर से खरीदे, उनको बस उनके फाड़े गए, जिससे महिलाएं अंदर अपना पर्चा दाखिल कर ले, पर्चा लेने ना जा सके, तो ये तो शर्मसार घटना है, इसके लिए माताएं हैं बहनें हैं उनके लिए हमको कहते भी शर्म आती है कि इस तरह का व्यवहार हो जाए, सब जनता ने देखा। यहाँ पर कई किसानों पे फर्जी मुकदमे लिखाए गए, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आपकी पार्टी के, आपकी पार्टी के सदस्य के लिखवाए गए, लिखाए गए, सरकार है तो लिखाई करे, इसके लिए पार्टी कुछ कर रही करेगी? ये तो मुकदमे 10,000 है, जब यो केस निपटा का दिल्ली वाला ये मुकदमे भी निपट रहे, और क्या इक्का के लिए करते हैं, तो बहुत होंगे अभी कहां से, अभी तो पत्रकारों के खिलाफ होंगे, जो पक्ष में किसान के पक्ष में खबर लगाएगा वो मुकदमे होंगे, जेल जाओगे, अभी नया कानून आ रहा है, एक ही नेशनल चैनल होगा, उसी से खबरें उठानी पड़ेगी, प्रेस की भी कोई गलती नहीं है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो कैसे मीडिया के लोग चला रहे हैं ये सब लोग देखते हैं।